रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉर मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देख देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अणस और मूवी को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनीज से इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉरगिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवनथ अगस्त नाइनटीन नाग्टी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का कैरेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डली फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लें क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर गिवन मूवी को आई पर 8.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमटीवी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सीनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉरगिवन मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लेंट क्लेंट है क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनीज से इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त नाइनटीन और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल्ल डागेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डैलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लैन क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर मूवी को आई पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आई एम टी वी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए जरूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगेवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉरगिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवनथ अगस्त नाइनटीन नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनैक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लिन क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अन मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा है लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन नाइन्टी टू में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी वी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को आई एम डी वी पर एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमडी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया सिनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अनफॉर्गिव मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अनफॉरगिवन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉर मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लेंट वुड क्लेंट वुड है क्लिट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनीज से इस मूवी का मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवंथ अगस्त नाइनटीन और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डागेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डिला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लें क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर गिवन मूवी को आई एम डी पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमटीवी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सीनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रोह एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉरगिवन मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त 1992 नाँटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डैलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लेंट क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉरगिवन मूवी को जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को आई एम डी पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आई की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अनफॉर्गिवन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अनफॉरगिवन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉर मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अणसॉरगेवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लेंट क्लेंट है क्लिट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉरगिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवनथ अगस्त नाइनटीन नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का कैरेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डली फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लें क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा है लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर मूवी को आई पर 8.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमटीवी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सीनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉरगिवन मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लेंट क्लेंट है क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त 1992 नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन थर्टी वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करैक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल्ल डागेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डैलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लैन क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर मूवी को आई पर 8.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आई एम टी वी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए जरूर से आपको अनफॉर मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगेवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की, है की, की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गिन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सैनमेटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉरगिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवनथ अगस्त नाइनटीन नाँटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लिन क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अन मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन नाइन्टी टू में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी वी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को आई एम डी वी पर एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमडी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अनफॉर्गिव मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अनफॉर्गिवन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो हो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉर गिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर गिवन मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर गिवन मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिवन मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं कि उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लेंट वुड क्लेंट वुड है क्लिट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सैनमेटोग्राफ किया है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनीज से इस मूवी का मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवंथ अगस्त नाइनटीन नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डागेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डिला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लें क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा है लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर गिवन मूवी को आई एम डी पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमटीवी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सीनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रोह एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉरगिवन मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉर गिवन मूवी को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त 1992 नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन थर्टी वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डैलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लेंट क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉरगिवन मूवी को जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को आई पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आई की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अनफॉर्गिव मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अनफॉरगिवन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉर मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अणस और मूवी को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉरगिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवनथ अगस्त नाइनटीन नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिव मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का कैरेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डली फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लें क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर मूवी को आई पर 8.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमटीवी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सीनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉरगिवन मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनीज से इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त 1992 और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन थर्टी वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल्ल डागेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डिला फिट्ज़ गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लैन क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर मूवी को आई पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आई एम टी वी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए जरूर से आपको अनफॉर मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगेवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की बात की जाए इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त नाइनटीन नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डलीला फिट्ज़ गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लिन क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अन मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा है लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन नाइन्टी टू में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी वी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को आई एम डी वी पर एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमडी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अनफॉर्गिव मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अनफॉरगिवन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी व्यू पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉर मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लेंट वुड क्लेंट वुड है क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सैनमेटोग्राफ किया है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनीज से इस मूवी का मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवंथ अगस्त नाइनटीन नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डागेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डिला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लें क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा है लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर गिवन मूवी को आई एम डी पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमटीवी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सीनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रोहो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉरगिवन मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉर गिवन मूवी को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त 1992 नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डैलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लेंट क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉरगिवन मूवी को जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को आई एम डी पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आई की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अनफॉर्गिव मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अनफॉरगिवन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉर मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अणस और मूवी को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉरगिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवनथ अगस्त नाइनटीन और नाग्टी रनिंग टाइम है इस मूवी का वन वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का कैरेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लें क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर गिवन मूवी को आई पर 8.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमटीवी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सीनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉरगिवन मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लेंट क्लेंट है क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनीज से इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त 1992 नाँटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन थर्टी वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल्ल डागेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डैलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लैन क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर मूवी को आई पर 8.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आई एम टी वी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए जरूर से आपको अनफॉर मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगेवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की बात की जाए इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त नाइनटीन नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डलीला फिट्ज़ गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लिन क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अन मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा है लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन नाइन्टी टू में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी वी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को आई एम डी वी पर एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमटीवी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अनफॉर्गिव मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अनफॉर्गिवन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूड्यू पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉर मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लेंट वुड क्लेंट वुड है क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सैनमेटोग्राफ किया है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनीज से इस मूवी का मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवंथ अगस्त नाइनटीन नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डागेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डिला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लें क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा है लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन नाइन्टी टू में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी वी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर मूवी को आई एम डी वी पर 8.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमटीवी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सीनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रोह एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉरगिवन मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर अनफॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त 1992 नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डैलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लेंट क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉरगिवन मूवी को जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को आई पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आई की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अनफॉर्गिवन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अनफॉरगिवन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉर मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अणस मूवी को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉरगिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवनथ अगस्त नाइनटीन नाँटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का कैरेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डली फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लें क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को जरूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर गिवन मूवी को आई पर 8.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमटीवी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सीनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए जरूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉरगिवन मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लेंट क्लेंट है क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनीज से इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त नाइनटीन नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल्ल डागेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डैलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लैन क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को 1992 में भी देखा था और पसंद किया था आई रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर मूवी को आई पर 8.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आई एम टी वी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए जरूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉरगिवन मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बता देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफ और मूवी को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सैनमेटोग्राफी की बात की जाए इस मूवी में सिनेमाटोग्राफी की है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉरगिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनी से इस मूवी के मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवन अगस्त नाइनटीन नाएंटी और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डैगेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनैक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डलीला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लिन क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अन मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फ़ैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन नाइन्टी टू में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी वी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को आई एम डी वी पर एट पॉइंट टू आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग फोर लैक ट्वेंटी थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमडी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सिनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अनफॉर्गिव मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अनफॉरगिवन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रो एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज़ हुई अनफॉर मूवी के बारे में यह मूवी बड़े ही 1992 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अनफॉर मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनफॉर्गिव मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको बताएंगे कि कौन सी टीम ने अनफॉर्गिव मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कि लिखा है कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में आपको बताएंगे इस मूवी के एक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर फॉर गिवन मूवी में निभाया है सो इसी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना आपको फुल डिटेल में रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी की टीम के बारे में आपको बतला देते हैं डायरेक्टर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी को डायरेक्ट किया क्लेंट वुड क्लेंट वुड है क्लिट ईस्टवुड ने क्लिंट ईस्टवुड जो कि एक अमेरिकन एक्टर एंड फिल्म मेकर हैं राइटर की बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है डेविड बेब पीपल्स ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को क्लिंट ईस्टवुड ने एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में लीडिंग रोल पर क्लिंट ईस्टवुड देखने को मिल जाते हैं उसके आगे गीन हैकमैन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिल जाते हैं एंड रिचार्ड हैरिस भी आपको अनफॉर्गिवन मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सैनमेटोग्राफ किया है जैक एन ग्रीन ने और इस मूवी को एडिट किया है जोल कॉक्स ने और म्यूजिक किया है अनफॉर्गिवन मूवी का लैनी नाई हाउस ने और प्रोडक्शन कंपनीज से इस मूवी का मालपा सो प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है अनफॉर्गिवन मूवी को वार्नर ब्रोज ने और रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सेवंथ अगस्त नाइनटीन और रनिंग टाइम है इस मूवी का वन मिनट्स बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो अनफॉर्गिवेंट मूवी का बजट फोर्टीन पॉइंट फोर मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी नाइन पॉइंट टू मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में क्लिंट ईस्टवुड ने विलियम मनी का करेक्टर निभाया है जीन हैकमैन ने शरीफ बिल डागेट का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने नेड लॉगन का करैक्टर निभाया है रिचार्ड हैरिस ने इंग्लिश बॉब का करैक्टर निभाया है जेम्स बॉलवेट ने दास कोफील्ड किड का करैक्टर निभाया है साउल रूबेनेक ने डब्ल्यू डब्ल्यू ब्यू चैम्प का करैक्टर निभाया है फ्रांकिस फिशर ने स्ट्रॉबेरी अलाइस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है अन्ना थॉमसन ने डिला फिट्ज गेराल्ड का करैक्टर इस मूवी में निभाया है सो so, उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो अनफॉरगिवन मूवी एक वेस्टर्न मूवी है वेस्टर्न मूवी है। होती हैं जो कि जॉनर ऑफ फिक्शन होता है अमेरिकन फ्रंटियर एंड कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉक टेल्स ऑफ द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स सो काफ़ी पसंद आपको अनफॉरगिवन मूवी की स्टोरी आने वाली है एंड काफ़ी बढ़िया एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया गया है क्लें क्लेंट ईस्टवुड द्वारा अनफॉर मूवी को ज़रूर से आप इस मूवी को देख सकते हो एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी बढ़िया किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी इसी वजह से आज तक लोग इस मूवी के फैन हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस मूवी को नाइनटीन नाइन्टी टू में भी देखा था और पसंद किया था आई एम डी वी रेटिंग की बात की जाए तो अनफॉर गिवन मूवी को आई एम डी पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है जो कि जबरदस्त रेटिंग हो जाती है एंड इस मूवी को लगभग 4 लैक ट्वेंटी लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है पॉजिटिव रिव्यूज आप आईएमटीवी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हो काफी अच्छे रिव्यूज भी इस मूवी को मिले हुए हैं काफ़ी बढ़िया है। सीनेमाइटोग्राफी के साथ साथ काफ़ी बढ़िया एडिट भी इस मूवी को किया गया था सो जरूर से आपको देखना चाहिए ज़रूर से आपको अन मूवी पसंद आएगी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सो यूट्यूब पर तो आपको अन मूवी देखने को नहीं मिलती लेकिन इस मूवी को आप और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ यह मूवी आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएगी वूडो पर देखने को मिल जाएगी एंड रोह एट पर भी इस मूवी को देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना